हेलो गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। क्रिकेट में 99% बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, और जो 1% बच्चे सक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। मैंने बताया था कि 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं जिससे आपके सक्सेस के चांस लगभग 100% हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज़ें आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। चाहो तो 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स तक भी इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि सक्सेस होना कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसमें मैटर करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 99% ये हकीकत है, आप चाहे तो एनालाइज कर लीजिए, करोड़ों बच्चे इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं या वर्ल्ड वाइड में अपने अपने कंट्री में करोड़ों बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बट सभी सक्सेस नहीं होते हैं। 1% मात्र 1% सक्सेस होते हैं। एक ही एकेडमी के अंदर एक ही समय पर बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे विराट कोहली ने जिस एकेडमी में क्रिकेट का ट्रेनिंग लिया था, विराट कोहली के साथ और भी प्लेयर होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग लिया होगा, बट बाकी बहुत कम, इंडिया लेवल तक बहुत कम पहुँचे। कोई पहुँचे भी होंगे तो रणजी लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये इस लेवल में पहुँचे होंगे, बट वो इंडिया की टीम से नहीं खेल पाए, सभी नहीं खेल पाए, बहुत कम लोग खेल पाए। अंडर 19 में भी जो उनके साथ थे, अंडर 19 के बाद गायब हो गए। कुछ ही प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, मनीष पांडे भी कुछ दिन तक आए थे, और भी कुछ प्लेयर थे जो अभी भी टीम के हिस्से हैं लेकिन रेगुलर नहीं है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, ये जानना जरूरी है। सीरीज शुरू करने से पहले ज़रूरी बता दूँ ताकि आपका फोकस पूरा क्रिकेट पर लगे रहे और आपके जो सक्सेस के चांस है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आगे लेवल तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आता है इसमें प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस होती है उसको अगर आप प्रॉपरली करते हैं, सही समय से सही कोच की गाइडलाइंस के अनुसार प्रैक्टिस को करते हैं, वो आगे चल के आपको सारा चीज़ बताऊंगा। अभी शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो खास खास चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ। अब प्रैक्टिस में ये आता है कि आप सही तरीके से सही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी बचपन से जब आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप गलत सीखते हैं और उस चीज़ को गलतियाँ करते जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, और आगे चल के बाद में बड़े लेवल के कोच के पास आप पहुँचते हैं, वहाँ पे आपकी गलती वो बताता है, तो उस गलती को सुधारने में आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे करके आपका समय बर्बाद होते जाता है। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर जो सिखलाई है वो सीखना ज़रूरी है, और उसको कैसे कैसे रिपीट करना है, किस रिदम से आगे जाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो बात आती है वो यह है कि बहुत जल्दी क्या होता है कि सभी बच्चे, आप हों या कोई भी हो, हम भी हों, हम क्या सोचते थे, दूसरे बच्चों को देख के बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते थे कि जैसे जल्दी से जल्दी मैं कैसे भी सीख जाऊं, सारी शॉट सीख जाऊं और उसके लेवल में पहुंच जाऊं। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग, एक शॉट की प्रॉपर ट्रेनिंग सीख नहीं पाते। पहले जब तक आपकी एक शॉट क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं सीखेंगे। ये चीज़ें ही आप लोगों को मैं धीरे धीरे बेसिक में बताऊंगा कि एक चीज़ जो सीखनी है आपने, वो प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे, तो जिसकी वजह से कुछ उसमें ऐसे करके अलग अलग शॉटों की लगातार प्रैक्टिस करना, मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं है उसका प्रैक्टिस करने का, जिस वजह से वो आधे अधूरे रह जाते, आगे चल के मार खाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे ही होते हैं, वो उनका मन विचलित होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि दूसरे बच्चे जो उसके गांव के हैं या उसके साथ के हैं, वो दूसरे गेम खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहा, कोई बैडमिंटन खेल रहा, कोई दूसरा गेम खेल रहा है। तो जो आप लोग जो सीख रहे हैं, आप लोगों का मन विचलित होता है, उनको देख के आपको भी उनके साथ जाने का मन करता है, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट खेलने का, फिर भी दूसरे गेम पर ध्यान चला जाता है। और जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिला रहे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे होते, तो पेरेंट्स को बहुत मन करता है हमारा बच्चा क्रिकेट खेले, बट बच्चा नहीं खेलना चाहता। उसका मन रखने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसलिए जो है अलग अलग गेमों में ध्यान बिल्कुल देना ही नहीं। अगर आपने सक्सेस होना है, सिर्फ एक फोकस आपका होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, होना चाहिए क्रिकेट, और क्रिकेट और क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। एजुकेशन साथ में आपका है, एजुकेशन के साथ में क्रिकेट है, ये दो चीज़ों में आपने फोकस करना है। उसमें भी आपने अभी जब छोटे लेवल में है, आपने 50-50 करना है, 50 पढ़ाई में, 50 क्रिकेट में। जब जैसे जैसे बड़े लेवल में आप चले जाते हैं, उसके बाद आपने धीरे धीरे एजुकेशन के साथ पढ़ाई का, जो आपका स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, उसका परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, एजुकेशन का धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं 10वीं पास कर लेगा या 12वीं पास कर लेगा, उसके बाद तो क्रिकेट खेलेगा, तो उसके बाद आपके चांसेस तो और भी कम हो जाते हैं, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने क्रिकेटर ही बनना है, आपने मन बना लिया है, तो भाई आप
पूरा फोकस क्रिकेट पर ही करेंगे। नेक्स्ट जो आता है इंजुरी बहुत बड़ा मैटर है, स्पेशली इंडिया में तो आपने देखा होगा अच्छे खासे प्लेयर भी इंजुरी के कारण बाहर हो जाते हैं। तो इंजुरी होने का सबसे बड़ा रीज़न है वार्म अप न करना। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट खेलने से पहले आधा घंटा पौना घंटा आपने बहुत अच्छे से पूरे शरीर के हर पार्ट्स को वार्म अप करना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी, सारी चीज़ें वो बताते रहूँगा आगे चल के। तो वो अगर आपने नहीं की, क्या होता है कि अक्सर बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, गए सीधे बैट पकड़ा और खेलना शुरू कर दिया बिना वार्म अप के, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। लेकिन जैसे जैसे बड़े लेवल में पहुंचेंगे आपका जो शरीर का पावर है वो ज़्यादा लगने लग जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होने लग जाएगा, उसके बाद आपके मसल्स जो है डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, इंजुरी से बचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आता है, आप जिस भी एकेडमी में खेलते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपसे छोटे बच्चे हैं वो आपसे अच्छा खेलते हैं, कई बार होता है और बहुत जगह होता है ऐसा। ऐसे में क्या होता है, जो प्लेयर हैं वो बहुत सारे प्लेयर होपलेस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये मेरे से बहुत अच्छा खेल रहा है, शायद आगे चल के मैं जब ये इतना छोटा बच्चा मेरे से अच्छा खेल रहा है तो आगे चल के हम लोग कहाँ इसका कंपेयर कर पाएंगे, ये सोच के माइंड में आधे बच्चे रास्ते से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, सबका टैलेंट अपना अपना अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, हर चीज़ सबकी बॉडी अलग अलग है, कोई लेट पकड़ता है, कोई बहुत जल्दी पकड़ता है, कोई बहुत जल्दी पकड़ता है तो आगे चल के वो फ्लॉप भी होता है, और कोई लेट पकड़ता है वो आगे चल के अच्छा भी चलता है। आपने फॉर एग्जांपल, मैं रोहित शर्मा की बात बताता हूँ आपको, रोहित शर्मा जब इंटरनेशनल में आए थे आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे रन नहीं बनाए थे उन्होंने, थोड़े थोड़े बनाए थे थोड़े थोड़े, लेकिन जब से उन्होंने ओपनिंग आना शुरू किया उसके बाद उनका गेम कम्प्लीटली चेंज हो गया। आपने देखा होगा कहां से कहां पहुंच गए, 3 बार तो डबल सेंचुरी उन्होंने मार दिया, आपने देखा होगा वो पहले नहीं मारे थे स्टार्टिंग में, बाद में धीरे 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 खुलते गए। तो ये नहीं सोचना कि यार वो अच्छा खेल रहा है शायद मैं आप धीरे धीरे मेरे बस की नहीं है, कई लोगों को लगने लगता है जो आधे अधूरे में 2-4 साल एकेडमी जाने के बाद भी उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं, आप लोगों ने अपनी मेहनत अपनी फुल करनी, किसी भी कीमत में अपना फुल फोकस उस पर करना है। नेक्स्ट आता है पेरेंट का सपोर्ट। अब मैं इसमें 3 चीज़ें बताऊँगा कि यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है कि जो 100% है, 100% में से आपका आपकी मेहनत का परसेंट है, कोच की सिखलाई का परसेंट है, उसके बाद आपके पेरेंट्स का परसेंटेज है, उसके बाद किस्मत का परसेंट है। अभी इसमें क्या है, अगर आप 40% आप मेहनत करते हैं और पूरी जोर लगा के मेहनत करते हैं, 20% आपके कोच की मेहनत डिपेंड करती है, 20% आपकी पेरेंट्स की मेहनत डिपेंड करती है, बाकी 20% आपकी किस्मत की करती है। 20 से 30 के बीच में आपकी किस्मत है, 70% लगभग आपकी ओवरऑल मेहनत है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे समय ऐसा होता है आपको कोच कितना भी सिखाए, कितना भी सिखा ले, आप स्कूल का एग्जांपल दे देता हूँ, स्कूल में एक टीचर 50-60 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, उस 50-60 बच्चों में से सारे के सारे ना आईपीएस अफसर बनते हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचते, आपने देखा होगा। तो वही क्रिकेट में भी है, कुछ बच्चे बिल्कुल लेबरी का काम भी करते हैं, कुछ बच्चे मिडिल उसमें रहते हैं, कुछ बच्चे एकदम टॉप लेवल के अफसर बनते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, जिनके पेरेंट्स आपकी मेहनत तो है ही है, कुछ बहुत नेचुरल टैलेंट है, कुछ बहुत आपने बनाना पड़ता है, आपकी मेहनत तो है ही है, उसके साथ में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो दोनों के अंदर। तो इसमें क्या है, आपके टीचर ने आपने आपको बताया, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा मेहनत स्कूल में की, घर आने के बाद सेम चीज़ को रिपीट किया, उसके बाद आप ट्यूशन गए, उसके बाद ट्यूशन जाने के बाद भी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कई जो बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, उनको जिसको आता है वो सिखाते हैं, जिसको नहीं भी आता वो फिर भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ बैठे रहें, उनका सपोर्ट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। ये चीज़ें सेम क्रिकेट में आपने अप्लाई करनी पड़ेगी, वहाँ कोच सिखाते हैं, आपने घर में एक सेटअप बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ जो बताया उस चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, क्रिकेट की वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, अच्छे जो प्लेयर आए हैं, जो अच्छे प्लेयरों की नकल देखनी पड़ेगी, कैसे उनकी टेक्निक है, क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, सारा चीज़ करना पड़ेगा। होमवर्क एक तरह से होमवर्क है, ये होमवर्क आपने करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, आपकी डाइटिंग के ऊपर है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैटर करती है जिसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, डाइटिंग। बचपन से लेकर आपने बहुत अच्छी डाइटिंग लेनी है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ आप नहीं भी खा सकते हैं, तो दूध दही सबके घर में होता है, वो आपने रेगुलर खाना है, हरी सब्जियां खानी है, फल फ्रूट खाने हैं, सीजनल फ्रूट खाइए, बहुत बड़ा ज़्यादा महंगा फ्रूट आप नहीं भी खा पाते, तो सीज़न में जो सबसे सस्ता चल रहा है वो फ्रूट खाइए,
तो जिससे आपका जो एनर्जी आप ख़त्म करते हैं खेलते समय, जो प्रैक्टिस में आपकी मेहनत लगती है, जो आपका एफर्ट लगता है, उसमें जो भी एनर्जी आपकी लॉस होती है उसको रिकवरी करने के लिए चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं, तो आज तो आप खेल लेंगे, दो साल चार साल खेल लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी कंटम होना शुरू हो जाएगी, जिससे आगे चल के इंजुरी का रूप धारण करेगी। इसीलिए ये डाइटिंग बहुत ज़रूरी है, खेलने के साथ साथ आपके शरीर में पावर आना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है गलत संगत। गलत संगत में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे आजकल के समय पे गलत चीज़ों में ध्यान देते हैं, गलत चीज़ों का नशा करते हैं, मोबाइल में गलत गलत चीज़ें देखते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, जो चीज़ आपने करनी है वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ आपको देखा होगा व्यसन, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो उस चीज़ से कैरियर आपका टोटली ख़त्म हो जाता है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इन चीज़ों के पीछे फोकस मत करिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर इन चीज़ों पर आपने फोकस कर लिया तो आपके चांसेस लगभग सफल होने के 100% हो जाते हैं। जो 99% फेल होते हैं और 1% जो सक्सेस होते हैं, उस 1% में आप आ जाते हैं। इसी ये रीज़न है, जो खासी रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे बाहर होते जाते हैं, बाहर होते जाते हैं, चार चार पाँच साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। यही रीज़न होते हैं, कोई बहुत बड़े रीज़न नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पैसा ही पैसा हो उसके बाद क्रिकेटर बनेगा, या बहुत गरीब हो क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं। पैसा का भी ज़रूरत पड़ता है, ऐसा बात नहीं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्रिकेट में बिल्कुल गरीब आदमी भी क्रिकेटर बन सकता है। गरीब आदमी बिल्कुल बन सकता है, बट थोड़ा सा पैसा तो खर्चा करना ही पड़ता है। किट कहाँ से लाओगे, एकेडमी की फ़ीस कहाँ से दोगे, ये सारी चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती है। जो लास्ट फाइनल आता है वो ये है कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ घर में प्रैक्टिस करके सक्सेस हो जाऊँगा, इंटरनेशनल तक पहुँच जाऊँगा, ये लगभग 99% मुश्किल है। 1% ही सक्सेस आप हो सकते हैं घर में प्रैक्टिस करके। घर में जो हम आपको सिखाएंगे उससे आपके जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो 90% बढ़ जाएंगे, 90% सक्सेस होने के चांस। क्योंकि क्या होता है कि खाली आप स्कूल में किताब पढ़ा, घर आके किताबें फेंक दी, कभी किताबों की तरफ देखा नहीं। एक नेचुरल टैलेंट का कोई बच्चा होगा तो शायद वो निकल भी जाएगा, अदरवाइज़ अगर घर में आपने नहीं किया तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे 90%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, इस तरह से सेटअप बनाना है, वो सारी चीज़ें आगे वाले आने वाले वीडियोस में बताएंगे। पहला दिन जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले दिन में इंट्रोडक्शन में यही होगा कि क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारे सक्सेस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएं। दोस्तों बहुत प्रॉपरली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप इस चीज़ का चिंता मत करिए। बस आपका काम है कि जो चीज़ हम बताते हैं उसके ऊपर फोकस करिए, आपका सक्सेस होने का चांस 90% बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो हमारा मिशन है वो पूरा हो जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो हम बताएंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।